अंकुर सा दुकान थारे को देखने में छोटी सी लागी होगी, लेकिन पूरे पुष्कर में धूम मचाते हैं लोग, बहुत जल्दी बड़ी दुकान ले लेंगे। फिलहाल इस समय ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगा, अभी तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने हैं, मोहित और छवि की आगे की पढ़ाई भी देखनी है। जिम्मेदार है छोरा। अपनी बहन की तस्वीर तो लाए होंगे जी? तस्वीर? हाँ लाए। लगी रंग रूप में तो फूट रही है, बस अब गुण सही हो इसके। देखो साहब, मैं तो सीधी सीधी बात कहूंगी और जवाब भी सीधा मांगूंगी। मने मारे घर के लिए ज्यादा पढ़ी लिखी भिनड़ी को नहीं चाहे। आपकी बहन कितनी पढ़ी है? लड़के की फोटो देखकर मैं क्या करूं, जब मुझे अभी शादी ही नहीं करनी है। एक ही तो सपना है मेरा, आईपीएस बनना है मुझे। खास नहीं भाभू सा, गिरती पड़ती बस सातवीं करिए। बस तो बहुत है, ज्यादा पढ़ी लिखी छोरियां घर बार छोड़ के पीसा के पीछे भागे हैं। ये नौकरी कर लूं, ये हो जाऊं, ये बन जाऊं। आपकी बहन घर के काम में तो रुचि रखे ना, मतलब खाना पकाना, साफ सफाई। सास की फरमाइश पे ऐसी काढ़ी वाली चाय ले आई तो? जो लड़की एक कप चाय ठीक से नहीं बना सकती, उसकी शादी के बारे में सोचकर किसी बेचारे की जिंदगी खराब करनी है क्या? भाभोसा काम को तो पानी की तरह पीती है, पता है उसका बस चले तो किसी को काम को हाथ ही ना लगाने दे। खाने पीने से लेके सिलाई कढ़ाई सब काम में बिल्कुल निपुण है। और कुछ पूछना हो तो पूछ लो। अब तो यही पूछना बाकी रह गया है कि वो उड़ना जानती है कि नहीं। अरे छोरे को ब्याह करने निकली है तो सास तो चाहे है ना? सो तो है। बस एक बात पूछनी है, ये ब्याह के लिए थारी बहन तैयार तो है ना? मैं आपको अपना फैसला बता चुकी हूँ, मैं शादी नहीं करूंगी। कोई बात तो नहीं? अरे भाभो गाय है गाय, जहां बांधो बंधने के लिए तैयार खड़ी है समझो। और छोरी का मन नहीं होता शादी का तो उसका भाई क्यों आता रिश्ते की बात करने? क्यों जी? जी किसना, आज लड़की देखने जा सकते? बाहर निकल के इनसे बात करके फोन करती हूँ। ठीक है, बता दीजिए। अब आगे दीजिए। अच्छा, मैं भी चलती हूँ। आ बेटा, आ चल बैठ। ध्यान से जाना बेटा और शुभ समाचार ही भेजना। जी।
लड़की का भाई तो अच्छा लगा, समझदार और सुलझा हुआ है। आप तो रहने दो अपनी बड़ी समझ, भाई अच्छा है तो है, बात तो बहन के अच्छे होने में है। सब कुछ तो पूछ लिया, अब बाकी क्या रह गया? बिना छोरी ने देखे मैं कोई फैसला नहीं करने वाली। पिछली बार बहुत बुरी तरह मुंह चला, अब तो छाछ भी ठीक से देखभाले बिना होठों के ना लगाऊंगी। लड़का पसंद आया के? कृष्णा जी, लड़के का स्वभाव तो अच्छा है मगर कम पढ़ा लिखा है, मेरी बहन के लायक नहीं है, और ऊपर से हलवाई। अब आप ही बताइए ना कि एक हलवाई के यहाँ कैसे दे दूं अपनी बहन को। अंकुर साहब, पुष्कर में 50 पढ़े लिखे छोरे चपले फटकारते मिल जाएंगे कि कहीं झाड़ू मारने का काम मिल जाए। जब भूख लगे है ना तो किताब में सेक करना खाई जा सके, रोटी दाल ही खानी पड़े, और रोटी दाल दाल क्या, दो सब्जियों की कोई कमी ना है इस घर में। हलवाई का ही सही, छोरे का खुद का काम है, पूरे परिवार को अकेला पाल रहा है। ठीक है, मान लेते, आपकी सारी बातें मान लेते, लेकिन फिर भी मेरी बहन वहां एक पल नहीं गुजार पाएगी, और पूरी जिंदगी तो बिल्कुल असंभव ही है। इनके घर में चाहिए कम पढ़ी लिखी लड़की जो घर का पूरा काम संभाले, चूल्हे के आगे अपनी पूरी जिंदगी बिता दे, और मेरी बहन ऐसी नहीं है। माफ कीजिएगा, माफ कीजिए कृष्णा जी, मैं खुली आंखों के साथ अपनी बहन को इस कुएं में नहीं फेंक सकता। माफ कीजिए, ये रिश्ता नहीं हो सकता। चोर जबरदस्ती से ब्याह शादी ना हो सके अंकुर सर, इसलिए आप पर दबाव ना डालूंगी, पर उम्र और तजुर्बे में आपसे बड़ी हूं। जितनी आपकी उम्र ना है उससे 4 गुना ज्यादा बरातें उठवा चुकी हूँ, इसलिए कह रही हूँ बुरा मत मानिएगा। छोरियों का क्या है, पानी की तरह होवे, बर्तन में डाल दो तो बस उसका आकार ले लेवे, इस घर ना जाएंगी उस घर जाएंगी, और हर घर के अपने नियम कायदे कानून होवे, उनके हिसाब से ढलने के वास्ते हर छोरी को 1000 समझौते करने पड़े, बाकी तो राम जी राजी। अब 7 दिन में इससे बढ़िया रिश्ता मिलना तो चमत्कार ही होगा अंकुर साहब। आप ही देख लो, या तो अपनी बहन के लिए देवताओं का बनाया हुआ ससुराल ढूंढ लो, या फिर अपने विदेश जाने का। फोन आ रहा था ना? हाँ, एक मिनट। जी सर, कहिए। अंकुर, जस्ट एक बार फिर कंफर्म करने के लिए मैंने फोन किया है कि तुम्हारा यूएस जाना पक्का है ना? कोई भी गड़बड़ हो तो अभी बता दो। अब 7 दिन में इससे बढ़िया रिश्ता मिलना तो चमत्कार ही होगा अंकुर साहब। आप ही देख लो, या तो अपनी बहन के लिए देवताओं का बनाया हुआ ससुराल ढूंढ लो, या फिर अपने विदेश जाने के। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, जी जी मैं जरूर जाऊंगा। कृष्णा जी, वो मेरी बहन को आगे पढ़ने तो देगा ना? अंकुर साहब, एक बार छुरी घर में आ जावे सबका दिल जीत लेवे, फिर पढ़ाई की तो बात है, कोई चोरी चकारी सीखने की तो ना कह रही छोरी, सब हो जाएगा। ठीक है, फिर आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए, फिर जेक की ना अपने राम जी को राजी रखने वाली बात। अंकुर साहब, फिक्र को नहीं करो, घर बार बढ़िया है, छोरा अच्छा है, आप अपनी बहन की जिंदगी का बिल्कुल सही फैसला कर रहे हो, बहुत खुश रहेगी वो।